आया क्यों नहीं? दीदी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदी चलिए ना घर वापस चलते हैं। अब तुम्हें घर नहीं जाना है सती। चलो हम उस ओर विचरण करने चलते हैं। मैं किसी मांझी को ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ कथा कहानी से तुम्हारा कोई सारोकार नहीं होना चाहिए। ये लो अपना परिश्रम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें केवल सती को लेकर जाना है। मुझे यही किनारे पर उतार देना, किंतु सती को तुम्हें बहलाकर कैलाश पर पहुंचाना है। याद रहे यदि सती को तनिक भी हानि पहुंची तो मैं प्रजापति को बता दूंगी कि तुम उसे लेकर गए थे। और ऐसे में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या होगा ये तुम भली भांति जानते हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कैसे भी करके उन्हें कैलाश तक पहुंचा दूंगा। अरे अरे देवी, ये वही शिल्पकार है जिनसे आप शतबीज की मूर्ति बनवा रही है। संपूर्ण रात्रि आप इन्हीं के साथ थे, भूल गई? अच्छा, समझ गया। आपको ये बात देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि उस मगरमच्छ ने मेरे स्वामी की बात कैसे सुन ली। तो उसको तो सुनना ही था। संसार के सारे मगरमच्छ इनकी बात सुन सकते हैं। अर्थात मेरे स्वामी को मगरमच्छ पालने में बहुत रुचि है ना। इनके पास संसार के बहुत सारे मगरमच्छ पलते हैं।
सभी की भाषा भी आती है। ऐसे ही थोड़ी महान शिल्पकार बने हैं मेरे स्वामी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मामा से रूठी हुई है। मामा आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपसे विवाह करना चाहते हैं। अब मान जाइए ना। पता है आज मामा वर्षों बाद हमारे घर आए, परंतु भोजन किए बिना ही चले गए, केवल आपसे मिलने के लिए। और आप इनसे रूठकर जा रही हैं? चलिए वापस जाइए मामा के पास और उनसे कहिए कि आप उनसे विवाह करेंगी। आपको तो मानना ही पड़ेगा, मामा केवल इसलिए आए हैं। अरे अरे अरे, तुमसे भूल हो गई है, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अरे आपने तो कहा था कि ये नगचड़ी है और बहुत बड़े राजा की बेटी है, यही तो है वो राजकुमारी। इसका उत्तर प्रजापति से देने के लिए तैयार रहिएगा।